नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल लेट्स क्रैक के ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम्स और हम लोग नौ बजे की साढ़े आठ बजे की सीरीज में हर रोज मिल रहे हैं और कर रहे हैं पाइप और शीर्षन आप यहां पर लगातार जुड़े रहिए आपको सारी चीजें बहुत धीरे 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 मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा और एक 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 बात आपको कवर करवाऊंगा मैं यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डेली पढ़ते हैं तो हर चीज आपको मिलनी स्टार्ट होगी तो आज चौथी क्लास के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पाइप और टंकी को स्टार्ट करने से पहले चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद तो देखिएगा सर आज पहला क्वेश्चन डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा बहुत ध्यान से आज बहुत अच्छे अच्छे बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत गजब गजब क्वेश्चन बिल्कुल परिणाम मेरे दोस्तों परिणाम बिल्कुल देखिएगा आइएगा क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन और ध्यान से समझना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आज आपको नए लगेंगे थोड़े से मुश्किल लगेंगे कुछ वही बेसिक क्योंकि बेसिक से तो चले ही हुए हैं आइएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ध्यान से समझना एक होज में दो नल हैं, जो 30 मिनट और 36 मिनट में टैंक को भर सकते हैं पहला होज पहला 30 मिनट में भर सकता है दूसरा 36 मिनट में भर सकता है 30 और 36, 30 और 36, अगर 30 और 36 है तो टोटल हो जाएगा 180। 30 और 36 है तो टोटल हो जाएगा 180। तो 30 मिनट में 180। तीस मिनट में एक सौ अस्सी तो एक मिनट में कितना है छ छत्तीस मिनट में एक सौ अस्सी अगर छत्तीस मिनट में एक सौ अस्सी है तो एक मिनट में पांच बात क्लियर हो गई अब ये क्या कह रहा है किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप उसकी क्षमता का पांच बटा छ पानी ही बहता है पहले पाइप से पहले पाइप से उसकी क्षमता का यानी छ का छ का का मतलब गुणा पांच बटा छः अगर छः का पांच बटा छः होगा तो पहले पाइप से कितना बहेगा पांच बहेगा और अगर ये दूसरे पाइप की बात करता है बहुत ध्यान से समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आज मैं आपको समझाना जा रहा हूं दूसरे पाइप का यानी पांच का का मतलब गुना चार बटा पांच पांच का नौ बटा दस इसने बोला है ना कि दूसरे पाइप का नौ बटा दस पानी बहता है नौ बटा दस पानी बहता है तो इस हिसाब से मैंने देख लिया नाइन बाई टू और नाइन बाई टू हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव नाइन बाई टू हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव अब ये कह रहा है कि कमी दूर होने के बाद साढ़े पंद्रह मिनट लगते हैं मैंने आपको क्या समझाया समझाने के लिए एक बार सर क्वेश्चन हटा दो बस आप यहाँ से क्वेश्चन हटा दो ताकि हम लोग बहुत आसानी से चीजों को समझा पाए शुरुआत में पाइप चले लेकिन पाइप चले हैं जैसे ही कमी दूर हुई जैसे ही कमी दूर हुई उसके साढ़े पंद्रह मिनट बाद टैंक भर गया जैसे ही कमी दूर हुई उसके साढ़े पंद्रह मिनट बाद टैंक भर गया जैसे ही कमी दूर हुई उसके साढ़े पंद्रह मिनट बाद टैंक भर गया तो साढ़े पंद्रह मतलब इकतीस बटा दो साढ़े पंद्रह मतलब इकतीस बटा दो इकतीस बटा दो इसने बोला कमी दूर होने के साढ़े पंद्रह मिनट बाद कमी दूर होने के साढ़े पंद्रह मिनट बाद साढ़े पंद्रह मिनट बाद टैंक भर गया तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जैसे ही कमी दूर हुई साढ़े पंद्रह मिनट मतलब यहाँ से इकतीस बटा दो यहाँ तो पूरी कैपेसिटी ने काम किया और एक मिनट में कितना डला होगा एक मिनट में कितना डला होगा ग्यारह अगर एक मिनट में ग्यारह डला है ग्यारह एकम ग्यारह और ग्यारह तीर तैतीस और एक चौंतीस तीन सौ इकतालीस बटा दो और तीन सौ इकतालीस बटा दो का मतलब कितना हो गया है एक सौ सत्तर पॉइंट पाँच तीन सौ इकतालीस बटा दो का मतलब हो गया है एक सौ सत्तर पॉइंट .5, यानी .5 पानी तो बिना रुकावट के डला है 170.5 पानी के लिए डार्क लाइन खींची गई तो बिना रुकावट के डला है 170.5 एक सौ रुकावट था डला एक सौ 180 था एक सौ 180, 180 में से 180 में से 170.5 तो ये हो गया 180 में से 170.5 तो ये हो गया तो बचा कितना भाई साहब बचा कितना 9.5 तो जो ये 9.5 बचा हुआ है जो ये 9.5 बचा हुआ है वो किस वजह से बचा है जो ये 9.5 बचा हुआ है वो किस वजह से बचा है वो बचा है क्योंकि हमने अभी शुरुआती शुरुआती दौर में तो जब शुरुआती दौर में तो रुकावट के साथ चल रहा था तो पांच और ये तो 9.5 पॉइंट एक मिनट में भी ये 9.5 ही डाल सकते हैं अगर एक मिनट में ये 9.5 डाल सकते हैं तो मतलब कितने मिनट यहाँ पर लग रहे हैं एक मिनट मतलब कितने मिनट यहाँ पर लग रहे हैं एक मिनट तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ये लीकेज वाला पार्ट है वो कितने मिनट डला है यानी ये कम वाला पानी कितने मिनट डला है सिर्फ एक मिनट ही तो डला है अगर ये एक मिनट डला है तो आंसर कितना बन जाएगा वन मिनट आंसर बन जाएगा मिनट मेरी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे मैंने बोला है एक बारी मैं फिर रिपीट कर देता हूं अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है आज की पूरी क्लास लेना आज की कंप्लीट ये नेट को हाँ आज की कंप्लीट क्लास लेना क्योंकि एंड दो तीन क्वेश्चन के बाद नए क्वेश्चन आएंगे और एक ग्रुप डी का आया हुआ बहुत शानदार क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको ग्रुप डी लेवल में पूछा गया जिन बच्चों को लगता ना कि ग्रुप डी के अंदर तो लेवल ही नहीं आता मैं उसको एक बहुत अच्छा नमूना लेके आया हूं ग्रुप डी का 2016 का क्वेश्चन मैं यह कह रहा हूं कुछ देर तो रुकावट चली कुछ देर तो रुकावट चली और रुकावट चलने के बाद फिर फुल कैपेसिटी से काम किया फिर फुल कैपेसिटी से काम किया तो इसने बोला जैसे ही रुकावट हटी इसने बोला जैसे ही रुकावट हटी उसके साढ़े पंद्रह मिनट तो इकतीस बटा दो इकतीस बटा दो गुना में ग्यारह तो ये हो जाएगा एक सौ सत्तर पॉइंट पांच इधर अगर एक सौ सत्तर अगर एक सौ सत्तर तो मैंने देखा ये बच गया साढ़े नौ अगर ये साढ़े नौ बच गया तो साढ़े नौ डिवाइडेड बाई साढ़े नौ तो कितना हो जाएगा एक मिनट हो गया तो ये एक मिनट हो गया है तो आंसर मेरा आ जाएगा वन मिनट तो क्या मैं आपको बताऊं क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या हम आगे बढ़ें चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बहुत बड़ा हो गया है नहीं ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही करना है इसके अलावा इसका कोई पैटर्न नहीं है कोई पैटर्न नहीं है सर एक बार ही जिन बच्चों को ऐसा लगता है आप क्वेश्चन पांच क्वेश्चन छोड़ के एक बार लगा दीजिएगा स्क्रीन पे उसके नीचे लिख रखा होगा एनटीपीसी ग्रुप डी उसके नीचे लिख रखा होगा एनटीपीसी आखिरी से तीसरा क्वेश्चन होगा शायद आखिरी से थर्ड फोर्थ, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन होगा एक बार उसको लगा दीजिएगा नीचे आप देख लीजिएगा एन ग्रुप डी लिखा होगा आखिरी लाइन में 112 घंटे होगा बिल्कुल ये लीजिएगा आपके सामने आपके सामने जो बच्चे ये मानते हैं कि सर ग्रुप डी में तो लेवल ही क्या आता है मैं तो कर लूंगा मुझे क्लास की कहाँ जरूरत है ये क्वेश्चन एसएससी मेंस वाले बच्चों के पसीने छुड़वा दे एन टी पी सी दो हजार सोलह का आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब तो मैंने देखा कि आप ये देखिएगा आप इसका आंसर अगर कोई बच्चा कर दे और ये दो हजार सोलह का मतलब है चार साल हो गए हैं क्वेश्चन को मार्केट में चार साल हो गए हैं इस क्वेश्चन को मार्केट में आए हुए आपको करना क्या है मैं चाहता हूं कि आप अब इस क्वेश्चन को करके देखें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करके देखें मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसका आंसर देंगे कितने बच्चे आंसर देंगे और ये क्वेश्चन दूसरे बच्चों को भेजना क्योंकि अगर वो बच्चा कर रहा है तो मतलब है कि उसे ये पता है कि ग्रुप डी का भी लेवल होता है भाई साहब और अगर उसे नहीं हुआ तो उसको बोल देना कि र, क्लास को ले लिया करो इस वक्त अभी जो चीज फ्री में मिल रही वो फ्री के लायक नहीं है लेकिन आपके जॉब दिलवा जाएगी ये मैं गारंटी दे रहा हूं 84 गलत 84 गलत आंसर पंकज शेखावत हार्दिक भास्कर पंकज शेखावत 84 गलत भाई देशराम सेवनटी टू वेरी वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई 72 आएगा इसका आंसर इसका आंसर 72 आएगा 84 गलत है 84 गलत है 72 आएगा तो इस क्वेश्चन को एंड में करेंगे पहले जो सीरीज चली हुई है सर इसको हटाकर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा जो भी था सेवेंटी टू हाँ एक बार आंसर पता लग गया सेवेंटी टू लिखना आरंभ कर देते हैं बहुत कॉपी पेस्ट मारते हैं चलो कोई बात नहीं वेरी गुड वेरी गुड देखिएगा बहुत अच्छा 72 टू बिल्कुल हाँ आ, आया इनमें से आधे बच्चों को भी नहीं है लेकिन जैसे ही मैंने बोला सेवनटी टू सही है सबने सेवनटी टू निकाला अगर एक बार मैं नहीं बोलता तो सब 84 फोर निकालते हैं ना आप लोगों का तो कमाल है यार देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव को देखते हैं बाईस नंबर ट्वेंटी फाइव पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बारह मिनट में भर सकता है और एक सोलह मिनट में भर सकता है बारह और सोलह बारह और सोलह हो जाएगा अड़तालीस बारह और सोलह अड़तालीस तो बारह मिनट में अड़तालीस तो एक मिनट में चार अगर सोलह मिनट में अड़तालीस है तो एक मिनट में तीन बारह मिनट में अड़तालीस तो एक मिनट में चार और सोलह मिनट में अगर अड़तालीस है तो एक मिनट में तीन इसने बोला कि रुकावट के कारण पहले पाइप का सात बटा आठ भाग रुकावट के कारण पहले पाइप का चार का का मतलब गुना सेवन बाई एट चार का सेवन बाई एट अगर चार का सात बटा आठ निकालेंगे तो साढ़े तीन बनेगा अरे साढ़े तीन बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बताइए साढ़े तीन बनेगा सेकेंड पाइप अब वो कह रहा है सेकेंड पाइप सेकेंड पाइप में क्या कह रहा है वो कि तीन का पांच बटा छ तो तीन गुणा में फाइव बाई सिक्स और तीन गुना में पांच बटा छ तो कितना बनेगा पांच बटा दो ये बन जाएगा पांच बटा दो तो मतलब आ जाएगा दो पॉइंट पांच ये आ जाएगा दो पॉइंट पांच ये थ्री पॉइंट फाइव है ये टू पॉइंट फाइव है अब इसने बोला अचानक रुकावट हट जाती है और उसके तीन मिनट बाद टंकी भर जाती है सर क्वेश्चन हटा दो एक बार देखिए जैसे ही शुरुआत हुई यहां से इसने बोला कि रुकावट चली रुकावट चली और जैसे ही यहां से रुकावट हट गई जैसे ही यहां से रुकावट हट गई उसके तीन मिनट बाद टंकी भर गई जैसे ही रुकावट हटी उसके तीन मिनट बाद टंकी हट गई यही तो बोला है मतलब भर गई तो मतलब रुकावट हटी तो ये चलेगा चार और तीन सात अगर एक मिनट में सात लीटर तो तीन मिनट में एक मिनट में सात लीटर तो तीन मिनट में इक्कीस हो गया तीन मिनट में इक्कीस हो जाएगा बोलो हां की ना बात समझ में आ रही है कि रुकावट अगर हटी अगर रुकावट हटी तो पूरी कैपेसिटी से काम होगा चार यहां पर होगा तीन यहां पर होगा चार और तीन चार और तीन सात तो सात गुना तीन सात गुना तीन इक्कीस हो गया बोलिए मानते हैं दोस्तों अगर इक्कीस पूरी कैपेसिटी से डला है इक्कीस पूरी कैपेसिटी से डला है मेरे शब्दों के जाल को ध्यान से समझो अगर 21 पूरी कैपेसिटी से डला है तो 48 में से 21 घटा दो तो 27 जो पानी है वो पूरी कैपेसिटी से ना डलकर वो यहां डोटेड में डला होगा मतलब जब पाइप में रुकावट थी तब 27 चला होगा अब जब रुकावट के टाइम पर 27 लीटर पानी डालना है और एक मिनट में कितना लीटर तीन दो पांच और एक तो तीन दो पांच और एक छे। तो छ चौका चौबीस छह चौका चौबीस और छह पंजा छ चौका चौबीस और छो तो चार पॉइंट 5 मिनट आंसर आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव मिनट आंसर आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव मिनट मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत आराम से समझ में आ गई है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं क्या मैं उम्मीद करूं क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि रुकावट ये पहली टाइप है कि रुकावट हटने के बाद का समय यानी सिर्फ इतना समय दे रखा है घोर करके सुनना मेरी बात को अभी बात बदलने वाली है रुकावट हटने के बाद का समय रुकावट हटने के बाद का समय इतना दे रखा है मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही रुकावट हटी जैसे ही रुकावट हटी रुकावट हटने के बाद इतना समय क्लियर हो गई क्या अरे बहुत आसानी से क्लियर हो गई है क्या बात बिल्कुल क्लियर हो गई है देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं देखिएगा नेक्स्ट एक बार फिर से क्या समझ नहीं आया इसने बोला जैसे ही रुकावट हटी पूरी कैपेसिटी से काम हुआ रुकावट हटी तो पूरी कैपेसिटी से काम हुआ भाई साहब पूरी कैपेसिटी चार और तीन सात और सात गुना तीन मिनट उसने बोला है रुकावट हटने के तीन मिनट इक्कीस मिनट हो जाएगा और अड़तालीस में से इक्कीस गया तो बचेगा सत्ताईस और सत्ताईस बटा छाईस बटा छ कितना बढ़ जाएगा साढ़े चार मिनट तो आंसर आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव मिनट आंसर आ जाएगा साढ़े चार मिनट बिल्कुल क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात क्या मैं बात को आगे बढ़ाऊं बिल्कुल देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा अभी उसमें चीजों को थोड़ा सा चेंज किया गया होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया होगा और उस बात को मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से समझे और मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दो नल किसी टैंक को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं और दोनों नलों को टैंक भरने के लिए 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं 30 और 36 30 और 36 तो कितना हो गया 30 और 36 तो कितना हो गया है 180 30 से जाएगा तो छह बार और 36 से जाएगा तो पांच बार से जाएगा तो बार और छत्तीस से जाएगा तो पांच बार अब इसने बोला कि पहला पाइप रुकावट के कारण पहला पाइप रुकावट के कारण छ का पांच बटा छ अगर छ का पांच बटा छ है तो कितना हो जाएगा पांच और दूसरा पाइप रुकावट के कारण पांच का नौ बटा दस फाइव का नाइन बाई टेन फाइव का नाइन बाई टेन है तो ये नाइन बाई टू तो ये फोर पॉइंट फाइव ये हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव अब इसने बोला कि भैया कुछ देर तो सर क्वेश्चन हटा दो कुछ देर तो रुकावट चली और जैसे ही रुकावट हटी फिर पूरी कैपेसिटी से काम हुआ है फिर पूरी कैपेसिटी से काम हुआ है कुछ देर तो चली रुकावट और फिर पूरी कैपेसिटी से काम हुआ है बात समझ रहे हैं क्या अरे बात मेरी समझ रहे हैं क्या कुछ देर तो रुकावट चली कुछ देर तो रुकावट चली और फिर पूरी कैपेसिटी से काम हुआ है बोलिए हाँ कि ना अरे बोलो हाँ कि ना कुछ देर रुकावट चली फिर पूरी कैपेसिटी से काम हुआ है कह सकते हैं तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अब इसने बोला पिछली बार समय दे रखा था सिर्फ इतना सिर्फ इतना रुकावट हटने के बाद का समय दे रखा था रुकावट हटने के बाद का समय अगली बारी मैं कहता हूं अगली बारी मैं कहता हूं कि ये वाला ये वाला ये अगली बारी मैं कहता हूं जो ये वाला है इसका बताइए आप अगर इसको अगर मैं देखूंगा अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि साढ़े सोलह मिनट अब एक बात बताओ यार शुरू में भी शुरू में पानी डाला साढ़े नौ शुरू में पानी डला साढ़े नौ और वहां पर वहां पर पानी डला है साढ़े नौ तो डला ही डला लेकिन आ लेकिन डेढ़ लीटर और डला क्योंकि ग्यारह डला था ना भाई जब जब आपके सामने है कि जब ये लीकेज जब यहां पर लीकेज चलती है तो साढ़े नौ और जब लीकेज बंद कर देते हैं जब लीकेज बंद कर देते हैं तो साढ़े नौ और डेढ़ ग्यारह चला तो मैंने बोला कि पूरे समय पूरे समय आपको शॉर्टकट से कराऊं क्या शॉर्टकट से कराता हूं मैं ये कहता हूं कि अगर यहां पर भी ग्यारह ही डलता मैंने ये बोला कि लीकेज थी ही नहीं न, लीकेज थी ही नहीं अगर लीकेज नहीं होती तो साढ़े सोलह मिनट साढ़े सोलह मिनट मतलब तैतीस बटा दो बटा दो मिनट में ग्यारह ग्यारह लीटर पानी डलता तो तिया ते -तिस, ते -तिस और तीन, तो और बटा दो। तो कितना बन जाएगा? एक, आट, पानी, पानी डल गया एक सौ इक्यासी पॉइंट पांच लीटर पानी डल गया तो अब इसने बोला है कि ये जो एक सौ इक्यासी पॉइंट पांच लीटर पानी डला है लेकिन एक एक्चुअली में साढ़े सोलह मिनट में दोस्तों डलना कितना चाहिए था 180 एक्चुअली में साढ़े सोलह मिनट में दोस्तों डलना कितना चाहिए था डलना चाहिए था 180 सौ में से एक में डलना चाहिए था 180 डलना चाहिए था 180 तो कितना बच गया कितना बच गया 1.5 तो जो ये एक किस वजह से बचा हुआ वो एक्स्ट्रा क्यों गया क्योंकि शुरुआती स्टेज में हमने ग्यारह डाल दिया लेकिन हकीकत में डालना कितना चाहिए था साढ़े नौ तो कहने का मतलब है ये डेढ़ मिनट कितनी देर अगर मैं पूरी कैपेसिटी से काम करूं भाई पूरी कैपेसिटी से यहां पर डलता है साढ़े तो नौ देता हूं एक मिनट की रुकावट अगर यहां पूरी कैपेसिटी होती तो ग्यारह डलता भाई साहब समझना एक बार बिल्कुल ध्यान से इधर देखो इधर देखो रे छह और पांच ग्यारह डलता लेकिन इसने बोला डला कितना है साढ़े नौ कहने का मतलब जिस मिनट ब्लॉकेज होती तो साढ़े नौ डलता और अगर ब्लॉकेज नहीं होती तो ग्यारह डलता तो कितना ज्यादा कितना ज्यादा कितना ज्यादा डेढ़ लीटर ज्यादा तो मेरे को कम कितना करना इस डेढ़ को कम ही तो करना है इस डेढ़ को कम ही तो करना है तो इस डेढ़ को कम करना है तो एक पॉइंट पांच डिवाइडेड बाई एक पॉइंट पांच एक पॉइंट पांच डिवाइडेड बाई एक पॉइंट पांच तो कितना बन गया कितना बन गया है एक मिनट तो आंसर आ जाएगा वन मिनट आंसर आ जाएगा वन मिनट नोट करिएगा बहुत इजी कंसेप्ट है बहुत इजी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि डल गया एक ये क्यों डला क्योंकि मैंने टोटल ग्यारह ही कर लिया था टोटल ग्यारह ही कर दिया लेकिन डालना कितना था 180, एक सौ अस्सी एक पॉइंट पांच की कमी करनी है एक पॉइंट पांच की कमी करनी है अगर एक पॉइंट पांच की कमी करनी है मैं ये कहना चाह रहा हूं एक पॉइंट पांच की कमी करनी है तो एक पॉइंट पांच डिवाइडेड बाई एक पॉइंट पांच तो कितना हो गया है एक मिनट एक पॉइंट पांच डिवाइडेड बाई एक पॉइंट पांच एक पॉइंट पांच तो इतने में ही कम हो जाएगा जैसे ही ग्यारह की बजाय साढ़े नौ डाल दो एक मिनट में ही कम कर दिया हमने डेट तो बटा दो कहां से आया अरे एकाद एकाद तो ऐसा, ऐसा ऐसा बैठा है जालिम कैसे ऐसे क्वेश्चन करता है अरे भाई साहब ये साढ़े सोलह मिनट को सोल्व तो करो कि साढ़े सोलह मिनट सोलह दूनी बत्तीस बत्तीस और एक तेतीस ग्यारह और साढ़े नौ दोबारा बताऊं भाई मुझे एक बात बताओ अगर मैं पानी नहीं सोलह दूनी बत्तीस और एक तेतीस इसको इसी को तो लिखा था तेतीस बटा दो अब एक बात को गौर करके सुनना जो बच्चा दोबारा कह रहा है मैंने बोला हकीकत में शुरुआत में जहां मैंने डोटेड कर रखा है जहां मैंने डोटेड कर रखा है वहां पर कितना डलना चाहिए था साढ़े नौ वो जहां मैंने डोटेड कर रखा है वहां पर कितना डालना चाहिए था साढ़े नौ लेकिन यहाँ पर भी मैंने अपनी जिद के कारण मैंने अपनी जिद के कारण कितना डाल दिया अरे बताओ ना कितना डाल दिया छ और पांच ग्यारह डाल दिया मैंने अपनी जिद के कारण कितना डाल दिया और, और कितना डाल दिया ग्यारह डाल दिया तो मैंने देखा अगर ग्यारह डाल दिया 33 बट्टा दो गुना ग्यारह तो एक सौ इक्यासी पॉइंट पांच डल दिया लेकिन डलना कितना चाहिए था इतने मिनट में एक सौ अस्सी तो कितना ज्यादा हो गया कितना ज्यादा हो गया डेढ़ लीटर इस डेड को कम कैसे करते हैं मैंने सोचा एक मिनट अगर मैं बुलोकलित करता एक मिनट अगर मैं ब्लॉकेज करता तो 11 की बजाय कितना डलता नो, लीटर कम हो जाता और करना कितना है डेढ़ लीटर तो कम करना है तो इसका मतलब आ आ जाएगा जाएगा इसका मतलब आ जाएगा एक मिनट तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी अगर समझ में आ गई है मोस्ट वेलकम अगर नहीं भी आई है तो घबराने वाली बात नहीं है एक बार ही इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में जब क्वेश्चन देखकर इसको पढ़ लेना ठीक है एक बार इसको देख लेना घबराने वाली कोई बातचीत नहीं है सब कुछ आ जाएगी बिल्कुल मजा आ जाएगा ग्रुप डी के में अंदर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं इसको आसान मत समझो ये अपॉर्चुनिटी है चलो एक कहानी सुनाता हूं कि जो बच्चे किसी एग्जाम को आसान मान लेते हैं ना जो बच्चे किसी एग्जाम को आसान मान लेते हैं कि अरे आसान ही थी प्रतिद्वंदी तो है आसान प्रतिद्वंदी तो है हो सकता है उस वक्त आप नहीं देखते हो मैं बताता हूं 2008 का समय था ओलंपिक चाइना ओलंपिक 2008 चाइना ओलंपिक हो सकता है आपने ये चीज अगर उस वक्त हमें कॉलेज में था उस वक्त तो और आप लोग हो सकता है स्कूल में हो, हो सकता क्या रह गई स्कूल में ही हो उस वक्त 2008 के वक्त बॉक्सिंग के अंदर मैं भिवानी से बिलोंग करता हूं हरियाणा में तो वहां का एक बॉक्सर ने ओलंपिक में मेडल लेके आया था विजेंदर सिंह आपको हो सकता है अब तो आपने पुराने ओलंपिक मेडल लिस्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उस वक्त विजेंदर सिंह लेकिन उनके साथ एक और बॉक्सर गया था विजेंदर सिंह से बहुत अच्छा फाइटर था विजेंदर सिंह की तो कम उम्मीद मान रहे थे कि भाई ये ये लेके आएगा मेडल को लेकिन उनके साथ एक मैट गया था गुड़गांव से बिलोंग करते थे अखिल सिंह मैं आपको बहुत जैनविन बात बता रहा हूँ अखिल सिंह मैं दोनों ही बॉक्सर्स से बहुत बार मिला हुआ हूँ बहुत बार क्योंकि हम लोग उधर जाते थे तो स्टेडियम में जाते थे तो मैं खूब बार मिला हुआ हूं तो अब एक बात देखो कि अखिल सिंह को लेकर इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन आज क्रिकेट से हटके एग्जाम्पल दे रहा हूं और जो मेरी आंखों के सामने हुआ है वो मैं बता रहा हूं अखिल सिंह से इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन को इतनी ज्यादा उम्मीदें थी कि भाई इसका तो गोल्ड मेडल बिल्कुल फिक्स है इसका तो गोल्ड मेडल बिल्कुल फिक्स है अब भाई खिलाड़ी है उम्मीदें तो बननी है लेकिन इस बात की इस बात को बिल्कुल कहते ना कि मोहर लगा दी इसी ने क्यों इसने वर्ल्ड के नंबर वन बॉक्सर को हरा दिया इसने प्री क्वार्टर में इसने प्री क्वार्टर में वर्ल्ड के नंबर वन बॉक्सर को हरा दिया अगर नंबर वन को हरा दिया तो आप समझ सकते हैं इसका कॉन्फिडेंस कितना रहा होगा गजब रह गया होगा कि भाई नंबर वन बॉक्सर मैंने वर्ल्ड का ओलंपिक के अंदर हरा दिया है और दूसरी बात अब जो इसका ग्रुप था जो इसका पूल था कि इसको क्वार्टर फाइनल खेलना है फिर इसको सेमीफाइनल खेलना है फिर इसको फाइनल खेलना है इसका पूल इस तरीके से था कि जो हायर रैंकर बॉक्सर थे ना वो हार चुके थे इसके पुल में सबसे आसान बॉक्सर थे तो ये आ गया ओवर कॉन्फिडेंस में अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया तो इसे लगा कि अब तो मैं जीत गया इंडिया में जाऊंगा मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे वहां जाते अखिल 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 रखेगा उस वक्त तक कोई नहीं जानता था विजेंद्र सिंह को उस वक्त सबकी नजर एक ही रहती थी कि अखिल सिंह और 2008 का समय मुझे याद है जिस वक्त बॉक्सिंग का मैच होता था भिवानी थम जाती थी भिवानी नहीं पूरा कहते हैं कि खेल प्रेमी थम जाते थे लेकिन वो उस जगह से बिलोंग करते हैं ओलंपिक में वहां के लड़के गए हैं जो नॉर्मल सड़कों पे घूमते थे तो उनको देखने के लिए थम जाते थे लोग उस वक्त अब एक बात देखना क्वार्टर फाइनल के अंदर अखिलेश इतनी बुरी तरीके से हारा जो किसी ने नहीं सोचा था और जैसे ही अखिलेश हारा जैसे ही अखिल सिंह हारा तो लोगों की नजर आ गई 2008 की एक कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि हो सकता है कि आपकी तैयारी मजबूत हो आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ढेर कर दें जिनको नंबर वन की रैंक मिली हुई कि इस नंबर वन मतलब कुछ सिलेक्टेड रैंक और अब लेकिन पेपर में जाए तो आसान प्रतिद्वंदी भी हमको हरा जाए ऐसी सिचुएशन हमारे सामने ना आने जाए क्योंकि अंधेरा चाजा तर वही अखिल सिंह है वही अखिल सिंह है आप बात को सुनिए वो ही अखिल सिंह है कि आज कोई जानता भी नहीं है मैं उम्मीद करता हूं हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही ना हो 95 परसेंट बच्चों को तो मैं दावे से कह सकता हूं आपको पता ही नहीं है लेकिन हम लोगों को पता था हम उस जगह से बिलोंग करते हैं मैं मिला हुआ हूँ तब मैं बता रहा हूं ये सारी बातें तो कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान ये मौका बार बार नहीं आएगा इस मौके को चूकना नहीं है दूसरे बच्चों को भी बुलाओ दूसरे बच्चों को भी बोलो कि पढ़ा करो भाई हम लोग सारा दिन लगे रहते हैं आने वाले समय में खूब काम कर रहे हैं चलिएगा आगे बताते हैं आगे बताते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं बहुत इजी से भिवानी में कौन से गांव से बिलोंग करते हो भाई साहब आप उधर की जानकारी थोड़ी रखते हो उधर की जानकारी रखते तो आपको बताते कि भिवानी से 20 किलोमीटर दूर गांव है लेकिन अब उधर की जानकारी नहीं है कभी उधर आना तो बताएंगे अभी तो मैं यहाँ राजस्थान में रहता हूँ राजस्थान के लोगों का कहते हैं कि यहाँ के बच्चों ने दिल जीत लिया है आप सभी को नमन सभी तरह के कहते हैं कि भगवान और बच्चों ने बच्चों का आशीर्वाद रहा है भगवान का आशीर्वाद रहा है। तो राजस्थान के अंदर ही हमारी कर्म भूमि है हम यहीं से कर्म कर रहे हैं अब तो ठीक है मल... देखिएगा एक पाइप एक टैंक को 45 मिनट में भर सकता है पहले पाइप के व्यास का चार बटा पांच व्यास वाला डायामीटर अगर पहले पाइप का डायामीटर अगर पांच है पहले पाइप का डायमीटर अगर पांच है तो दूसरे पाइप का डायमीटर हो जाएगा छह। इनमें से पानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के स्वानुपाती है लास्ट लाइन पढ़ो जो पानी बहेगा जो पानी बहेगा ये पाइप है ये पाइप है पाइप में से जो पानी बहेगा पाइप में से जो पानी बहेगा वो पानी बहेगा इस तरीके से और पानी बहेगा यानी कि पूरा जो सर्कल के रूप में ही तो पानी बहेगा सर्कल का एरिया एरिया होता है आर स्क्वेयर तो वो डायमीटर का स्क्वेयर कर लो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कहने का मतलब वोटर कैसे बहे वोटर कैसे अगर ये आर स्क्वेयर पांच का स्क्वेयर अगर इसमें से पच्चीस लीटर पानी अंदर जाता है यानी ये टैंक में डालता है तो चार का स्क्वायर ये सोलह लीटर पानी निकालता है ये 25 लीटर पानी टैंक में डालता है तो ये 16 लीटर पानी निकालता है इसने 25 डाला इसने 16 निकाला तो अब इसने बोला इसने 25 डाला है और इसने 16 निकाला है अब ये कह रहा है कि ये वाला पाइप जो भरने वाला पाइप है ये रहा और ये खाली करने वाला पाइप है ये रहा ये पाइप 45 मिनट में टैंक को भर सकता है तो एक मिनट में एक मिनट में भरता है पच्चीस लीटर एक मिनट में भरता है पच्चीस लीटर तो पैंतालीस मिनट में इतना लीटर हो गया इतना लीटर पानी हो गया है अगर इतना लीटर पानी हो गया तो अब ये कह रहा है कि पैंतालीस गुना पच्चीस अब ये कह रहा है कि अब बताओ अगर दोनों पाइप चलेंगे तो कितने समय में भर जाएगा तो ये पच्चीस डालेगा ये पच्चीस डालेगा लेकिन ये 16 निकाल देगा ये पच्चीस डालेगा ये 16 निकालेगा तो ओवरऑल क्या हुआ ओवरऑल हुआ नो no. अगर ओवरऑल नो लीटर पानी तो नो से कटेगा पांच बारी और पच्चीस गुना पांच एक सौ पच्चीस है एक सौ पच्चीस मिनट आ गया पच्चीस गुना पांच हो जाएगा एक सौ पच्चीस मिनट और एक सौ पच्चीस मिनट का मतलब हो जाएगा दो घंटे पांच मिनट ये जीरो हटा देता हूं दो घंटे पांच मिनट नोट करिएगा 125 मिनट का मतलब है दो घंटे पांच मिनट बिल्कुल आसान क्वेश्चन बिल्कुल आरामदायक क्वेश्चन धीरे 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 हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ठीक है तो क्या आपको बात समझ में बस आपको ये बात का ध्यान रखना था कि पानी उसके एरिया के एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर पाई को छोड़ो पाई को छोड़ो आर से मतलब रखो आर का स्क्वायर और के अंदर आर भी वही चीज़ है डी भी वही चीज है कोई फर्क नहीं पड़ता तो पानी के लिए हमको उसका स्क्वायर करना है बस इस बात का ध्यान रखना है क्लियर हो गई बात बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या सभी बच्चों को एक भी बच्चे का क्वेश्चन छूट ना जाए किसी का सिलेक्शन जो दिल से चाहता है कि मेरे को जॉब मिले उसको जॉब मिलनी चाहिए मैं तो ये कह रहा हूं हम लोग इतने एफर्ट इसलिए लगाते हैं कि वो बच्चा ना रह जाए जिसको जरूरत है जरूरत तो लाखों बच्चों को है यार जरूरत तो करोड़ों बच्चों को है जरूरत है तभी तो फॉर्म डाला था लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जरूरत है लेकिन उसको दिल से चाहता भी है कि मुझे जॉब मिले अब किसी को जरूरत तो है लेकिन वो मेहनत तो उस लेवल की नहीं करता है वो इधर उधर गलत जगह पे बैठ के पड़ रहा है बाद में सोचता है कि अरे यार मैंने तो गलत गाड़ी पकड़ ली उस अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा एरोप्लेन को आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा एरोप्लेन आपके लिए सही है कि आपको पहचानना पड़ेगा ये नहीं कि दूसरे ही बैठा दें आपको एरोप्लेन में दूसरे ही बता दें अरे अगर इतना दूसरे करेंगे तो दूसरे खुद के लिए नहीं कर लेंगे सिर्फ इतनी सी बात है ये तो आपको पहचानना पड़ेगा दोस्तों कि आप सही हैं क्या देखिएगा ये पैंतालीस कैसे आया अरे ढक्कनो क्वेश्चन तो नहीं पढ़ते हो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं कौन है ये अभी कल्लू जोरवाल कल्लू जोरवाल वेरी गुड वेरी गुड अरे मेरे कहते क्या बोलू मैं तुझे कुछ बोलने का भी मन क्वेश्चन तो पढ़ा करो एक आपके टैलेंट की भी कदर करनी पड़ेगी यार क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े सोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं गजब का टैलेंट है कहते हैं कि रेलवे वाले आपके पैर धोके पिएंगे कि यार कमाल का टैलेंट आ गया क्वेश्चन पढ़ के सोल्यूशन देखा करो पैंतालीस मिनट पहली लाइन में लिखा हुआ है चलिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मैं आपसे एक बात पूछता हूं जो कल मैंने इवनिंग में आपको सिखाया था और एक सभी बच्चे ध्यान रखना सभी बच्चे ध्यान रखना कल सिंप्लीफिकेशन की क्लास है दो बजे से चार बजे तक कल सिंप्लीफिकेशन की क्लास है कब दो बजे से चार बजे तक इसी चैनल पर और वो वो सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास और कहीं भी नहीं करवाऊंगा सिर्फ दो से चार रहेगी बाद में आप कोशिश करना कि उसको लाइव ही लें क्योंकि बाद में को, उस वीडियो को मैं कोशिश करवाऊंगा कि भाई चीजें क्योंकि वो पेड बैच तरह की क्लास होगी आपके बेसिक की बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिल्कुल बेसिक की क्लास होगी और टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल बेसिक की क्लास होगी और टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन आपके ये दो घंटे आपको आपको बहुत बहुत कुछ कुछ सिखा सिखा जाएंगे जाएंगे आपके ये घंटे बस मैं ये कहता हूं कि आप इन चीजों को देख लो बेसिक की सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी बिल्कुल बेसिक से और ये क्लास बाद में हो सकता है, ना मिले कल दो बजे से चार बजे तक क्लियर है और अपने फ्रेंड्स को जरूर बता देना यह मैं सोचना अपने तक रख लू जो जो अपना अपना करता है उसे कुछ नहीं मिलता है जो हमारा करता है वो उसको सब कुछ मिलता है अपने में और हमारे में फर्क है तो हम कहते हैं कि सभी बच्चों को बताना है दो बजे से चार बजे बेसिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ये क्लास किसी दूसरे चैनल पर कब नहीं होगी दोबारा ठीक है ये पेड बैच की एक क्लास में आपको बता देता हूँ बिल्कुल बेसिक से कि, कि कितना बेसिक स्टैंडर्ड से हम लोग उस बच्चे को भी कल समझ में आएगा जिसने कभी जिंदगी में मैथ नहीं देखा होगा ठीक है देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अरे ये तो टाइम एंड वर्क से मैच खा गया मुझे आंसर बताओ मुझे आंसर बताइए आंसर बताइए मनीष शर्मा तरुण तरुण मनीष दिलराज मुझे आंसर बताइए आंसर बताइए आप बच्चों का प्यार है मेरे भाई दिलराज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को नमन है क्योंकि आप इतने प्यार भरे कमेंट देते हैं बहुत सभी को नमन है मतलब आंसर 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन बताइए उसके बाद बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे इसने बोला बीस घंटे में भर सकता है इसने बोला अट्ठाईस घंटे में भर सकता है फिर इसने बोला है पैंतीस घंटे में खाली कर सकता है फिर इसने बोला है पैंतीस घंटे में खाली कर सकता है बीस घंटे में भर सकता है अट्ठाईस घंटे में भर सकता है पैंतीस घंटे में खाली कर सकता है एक सौ चालीस एक सौ चालीस आ गया बीस सत्ता एक सौ चालीस अट्ठाईस पंजा एक सौ चालीस और पैंतीस चौका एक सौ चालीस अब इसने बोला एक सौ चालीस है इसने बोला तीन घंटे पहले तीन घंटे पहले इस पाइप को बंद कर दिया अगर तीन घंटे पहले इसको बंद नहीं करते बिफोर वाले केस में टाइम एंड वर्क में मैं सिखा चुका हूं बिफोर का केस जब भी आता है कि भरने से इतने मिनट पहले अगर पहले का केस आता है तो करना क्या है बिफोर वाले केस में आपको सिंपल इतनी सी बात करनी है माइनस है आप इनको उल्टा करो अगर ये चलता अगर ये चलता तो चार चार लीटर निकालता तीन घंटे के अंदर और अब इसने बोला अब इसने बोला कि भैया 28 वाले को चार घंटे पहले इसको चार घंटे पहले बंद कर दिया अगर बंद नहीं करते उल्टा बिल्कुल उल्टा काम करो जैसे वो कहता है उससे उल्टा करो बिफोर के केस में अगर ये चार घंटे पहले तो प्लस का अगर ये बंद नहीं होता तो पांच गुना चार क्योंकि ये पांच पांच लीटर पानी एक घंटे में डालता ये बीस बीस में से बारह गया तो आठ तो एक सौ चालीस और आठ एक सौ अड़तालीस एक सौ चालीस और आठ कितना हो जाएगा एक सौ अड़तालीस एक सौ अड़तालीस है अब जब चलेंगे तो सात और पांच बारह बारह में से चार गया क्योंकि चार तो माइनस का है सात और पांच बारह और बारह में से चार गया तो आठ अब मैंने देखा आठ एकम आठ बचेगा छह चौसठ चौसठ बचेगा चार तो नोट करिएगा नोट करिएगा बात समझ में आ गई क्या बिल्कुल आराम से समझ में आ गई है नोट करिएगा आंसर आ जाएगा एटीन वन बाई टू आवर्स साढ़े अठारह घंटे क्लियर है आप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गई है चलिएगा आगे बढ़ते हैं उनतीस नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर उनतीस आपकी स्क्रीन की ऊपर ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से देखिएगा एक टैंक में चार पाइप जुड़े हुए हैं पी जुड़ा हुआ है क्यू जुड़ा हुआ है आर जुड़ा हुआ है पी क्यू आर और एस चार पाइप जुड़े हैं पी भी भरने वाला है क्यू भी भरने वाला है आर भी भरने वाला है और एस खाली होने वाला है पी क्यू आर एस अब इसने बोला कि ये 20 घंटे लेता है ये तीस घंटे लेता है ये बीस घंटे ये तीस घंटे ये कितना छत्तीस घंटे ये है छत्तीस घंटे और ये हो गया है पैंतालीस घंटे बीस तीस छत्तीस और पैंतालीस बीस तीस छत्तीस और पैंतालीस तो टोटल हो गया है एक सौ अस्सी बीस से जाएगा नौ बार तीस से जाएगा छ बार छत्तीस से जाएगा पांच बार और 45 से जाएगा चार बार बात आपको क्लियर हो गई क्या बात आपको क्लियर हो गई है अब मैंने बोला इसने मुझे बोला कि सभी पाइप एक साथ खोले दो घंटे बाद आफ्टर के केस में ये तो मैंने बता रखा है ये तो काम मैंने आपको बता रखा है कि बिफोर के केस में बुलाओ उनको वापस बुलाओ वापस बिफोर के केस में बुलाओ वापस काम पर लगाओ बिफोर के केस में बुलाओ वापस वापिस बुलाओ काम पर लगाओ देश निकाला मत दो जो लास्ट तक लड़ाई में लड़ रहे थे हमारे साथ और आफ्टर के केस में ये मैं एंड वर्क के अंदर दिखा चुका हूँ एंड वर्क है भगाओ भगाओ देश से भगाओ देश बचाओ सिलेक्शन बचाओ क्वेश्चन से भगाओ आंसर सही आएगा आंसर सही आएगा सिलेक्शन होगा तो मतलब ये है कि सिलेक्शन बचाओ तो सिलेक्शन बचाना है तो भगाओ इनको इनको भगाओ सिलेक्शन बचाओ आफ्टर के केस में भगाओ बिफोर के केस में बुलाओ बुलाओ भाई साहब उनको बुलाओ तो आफ्टर और बिफोर वाला केस आपको मैं समझा चुका हूं एक एक, एक एक बात को बिल्कुल लोकल भाषा के अंदर मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि आपके दिल के अंदर जदो सेकेंड के अंदर ये मेरी आवाज बैठ जाए क्योंकि जब भी आप पेपर में जाएं तो ये आवाज ये जुनून ये जोश याद आए आपको कि हाँ सर ने ऐसा बोला था वो बात अगर मेरी शकल उस वक्त याद आ गई तो सिलेक्शन आ गया यार अब इसने बोला दो घंटे बाद 180 है इसने बोला दो घंटे बाद इसको भगाओ यार ये दो घंटे की बात कर हमने बोला भागो यहां से फिर इसने बोला उसके तीन घंटे बाद उसके तीन घंटे भाई साहब शुरुआत के दो घंटे ये हो गया दो घंटे बाद यहाँ पी और उसके तीन घंटे उसके तीन घंटे तो मतलब टोटल कितने घंटे मतलब टोटल कितने घंटे पांच घंटे मतलब टोटल घंटे हो गए पांच अगर ये पांच घंटे हो गया तो माइनस में माइनस में पांच गुना पांच पच्चीस पच्चीस ये 180 में से तो 162 162 में से अगर 25 गया 162 में से अगर 25 गया तो आप ये बात को समझ सकते हैं कि 112 उधर तो 137 तो 137 बच गया इन दोनों का काम खत्म इन दोनों को भगा दिया ये भी गया ये भी गया जो आफ्टर का केस हो आफ्टर का केस हो भगाओ उसको रखो मत ये तो पाइप और टंकी के नहीं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है ये चीज मैं आपको टाइम एंड वर्क वाली क्लास में सिखा चुका हूं अब आधे बच्चे बोलेंगे सर कब सिखाया अरे मेरे दोस्त ये तब सिखाया जब आप मेरी बात को अनसुना करके वहां पर कुछ और YouTube पर कुछ और देख रहे थे मैं आपको कल फिर बता रहा हूं दो से चार सिंप्लीफिकेशन की क्लास है अगर आगे किसी क्लास में फंसेंगे तो फिर लगेगा सर ये कैसे होता है ये कब बताया ये तब बताया जब आप कहीं और कुछ देख रहे होते हैं तो मैं ये कहता हूं कुछ और मत देखो जब मैं आता हूं तो मुझे देखो अब मैंने बोला अब मैंने बोला कि ये 137 है अब इसने बोला है कि भाई टैंक भरने से तीन घंटे पहले एस को बंद कर दिया अगर तीन घंटे पहले एस बंद नहीं होता तीन घंटे पहले अगर ऐसी ये फर्स्ट कंडीशन थी आफ्टर वाली ये सेकंड कंडीशन आ गई बिफोर वाली नहीं होता तो ये चार चार लीटर और निकल जाता तो बारह लीटर और निकल जाता तो एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस अब छह में से चार गया क्योंकि यही तो दो बच गए एक ये बच गया एक ये बच गया छह दो आ गया तो एक सौ पच्चीस बट्टा दो एक सौ पच्चीस दो तो कितना बन जाएगा सड़सठ पॉइंट पांच आवर्स आंसर मेरा आ जाएगा सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव आवर्स बहुत इजी कंसेप्ट के साथ बहुत इजी कैलकुलेशन के साथ मुश्किल नहीं है कोई भी चीज मुश्किल नहीं है पहला ऑप्शन सड़सठ नहीं बासठ सड़सठ नहीं इसको मैं सही कर देता हूँ बासठ पॉइंट पांच, इसको मैं इधर लिख देता हूँ सिक्सटी टू पॉइंट फाइव, इसको मैं इधर लिख देता हूँ सिक्सटी टू पॉइंट फाइव सिक्सटी टू पॉइंट फाइव, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बहुत आराम से बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी सिक्सटी टू पॉइंट फाइफ क्लियर है बात अरे क्लियर है क्या मुझे यह बता दो बात बिल्कुल क्लियर है क्या क्लियर होनी चाहिए दोस्तों क्लियर होनी चाहिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बुफेर वाले को ऐड क्यों किया ये सारे रीजन तो मैंने आपको बता रखे हैं भाई टाइम एंड वर्क की क्लास के अंदर बता रखे हैं कि बिफोर को क्यों ऐड करते हैं आफ्टर को क्यों माइनस करते हैं यानी अब टाइम पाइप शीर्षण में आके आप सातवीं क्लास में आके ये थोड़ी पूछ सकते हैं कि सर तीन का पहाड़ा दोबारा सिखा दो भाई साहब दूसरी क्लास के अंदर तीन का पहाड़ा सिखा रखा है अब वो नहीं कि अब तो यहां पर धाए धाए काम होना चाहिए और धाए धाए तभी होगा जब उसने आपने चीजों को पहले वाली चीजों को पढ़ा होगा जाना होगा देखिए आजकल YouTube पर इतने वीडियो जाते हैं इतने गाने इतने टीचर इतने कंटेंट पागल हो जाएंगे अगर आप लाइव क्लास नहीं लेंगे तो लाइव क्लास का ये फायदा है कि एक जगह जुड़े रहते हैं जुड़े रहते हैं वैसा जुड़ाव बनता है कि आपको सिलेक्शन तक ले जाता है मेरे साथ सिर्फ रहने का ये बेनिफिट है कि हम लोगों को इस एग्जाम को क्रॉस करने का बेनिफिट है यार हमने एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कहीं तोल मोल कर नहीं आता है एक्सपीरियंस के लिए कहते हैं ना कि चप्पलें घिसाई है दिमाग घिसाया है रातें जगे हैं यार चीजों को फैल भी हुए हैं एक रैंक भी निकाली है नॉर्मल एग्जाम भी पास किया है ये एक्सपीरियंस कहीं मोल नहीं आएगा अब जो चार बार का एक्सपीरियंस है जो मैथ के अंदर 200 सौ बटा दो, दो लेने का एक्सपीरियंस आ गया है वो कैसे आएगा भाई वो एक्सपीरियंस किसी दुकान पे खरीदा जाता तो आप और हम जैसों का नंबर थोड़ी आता फिर तो लाखों लाखों रुपए हैं लोगों के पास एक ग्रुप डी की नौकरी लगने के लिए पीएचडी वाला बच्चा भी जो एग्जाम देता है मेरी बात को ध्यान ध्यान से से सुनना क्योंकि ध्यान से सुनने की की आदत आदत नहीं है भागने की आदत है भागने तभी तो जॉब आपसे दूर भागती है एक जगह ठहराओ तो लेके आइए यार जिंदगी में ठहराओ लेके आएंगे तो ऊपर बढ़ेगी बात आज एक पेड़ को यहां लगा रहे हो कल उसको दूसरी जगह लगा दिया परसों इसको तीसरी जगह लगा दिया पेड़ कभी बनेगा नहीं उसकी जड़ें वहां पर उस भूमि के ऊपर लगेंगी ही नहीं लेकिन एक जगह लगा कर अगर उसको सींचा जाता है तो वो पेड़ बहुत ऊंचाई तक जाता है तो आपने मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि भाई आप ग्रुप डी की नौकरी के लिए पीएचडी किए हुए लोग सामने आ रहे हैं पिछली बार का उदाहरण याद है ना तो इस बार तो लोगों के अंदर है कि आगे को भी नौकरी निकले ना निकले तो ये मौका हाथ से जाने ना पाए ये मौका निकल ना जाए भाई किसी भी हालत में ना निकल जाए बस इस बात का ध्यान रखना ठीक है चलिएगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर बताइए मुझे मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर बताइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है मैं चाहता हूं आप इसका आंसर बताएं जहां आपको बेहतर लगे वहां आप रीजनिंग लो जहां आपको बेहतर लगे वहां आप मैथ लो जहां आपको बेहतर लगे वहां आप जीके लो लेकिन लो भाई काम करो तभी फायदा होगा देखिएगा कि 16 घंटे और 20 घंटे के अंदर इस टैंक को भर सकते हैं तो एक 16 घंटे में भर देगा एक बीस घंटे में भर देगा सोलह और बीस सोलह और बीस तो टोटल कितना हो जाएगा अस्सी मैंने देखा सोलह पंजा अस्सी अगर सोलह पंजा अस्सी और ये बीस चौका अस्सी सोलह पंजा अस्सी और बीस चौका अस्सी क्लियर हो गया है अब इसने बोला दोनों पंपों को दस घंटे बारह मिनट के लिए खोला जाता है दस घंटे बारह मिनट दस घंटे और बारह मिनट है बारह मिनट का मतलब बारह बटा साठ है बारह बटा साठ का मतलब एक बटा पांच तो इक्यावन बटा पांच इक्यावन बटा पांच मिनट के लिए खोल दिया और एक मिनट के अंदर एक घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर कितना पानी नो पानी है एक तो नो एकम नो और नो पंजा पैंतालीस तो चार सौ उनसठ बटा पांच लीटर पानी आ गया चार सौ उनसठ बटा पांच लीटर पानी आ गया है अगर चार सौ उनसठ बटा पांच लीटर पानी आ गया और इसमें से 80 लीटर हटा दो मैंने देखा कि इतने समय में पानी आ गया चार सौ बटा पांच समय में पानी आ गया चार बटा पांच लेकिन वास्तविकता में वास्तविकता में पानी कितना आना चाहिए था 80 तो बाकी पानी क्या होगा ऊपर से फ्लो हो जाएगा बाकी पानी क्या होगा ऊपर से बाहर हो जाएगा अगर अगर बाकी बाहर हो जाएगा तो अस्सी गुना पांच चार सौ अस्सी गुना पांच चार सौ तो मतलब ये हो गया उनसठ बटा पांच मतलब ये होगा कितना पानी बाहर गया उनसठ बटा पांच पानी बाहर गया लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पेपर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ये उनसठ बटा पांच पानी बाहर नहीं गया है ये कितना पानी बाहर गया है ये चार सौ तेरह उनसठ बटा पांच का मान दे रखा है चार सो तेरह सर ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा उनसठ बटा पांच उनसठ बटा पांच का मान आपको दे रखा है चार सो तेरा ये दे रखा है चार सौ तेरा एक का मान एक का मान कितना हो जाएगा 413 डिवाइडेड बाई 68 और नीचे वाला पांच और कितने का मान निकालना है कितने का मान निकालना है 80 का मान निकालना है तो गुणा में कर दो 80 68 से काटेगा सात बार 68 से काटेगा सात बार 400 है 400 गुना सात तो कितना बन जाएगा 2800 तो आंसर मेरा आ जाएगा 2800 लीटर भाई साहब मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आप एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं समझते हैं और उसको माइंड में अप्लाई करते हैं किसी सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा नजरिया मैं आपको बता रहा हूँ सबसे मस्त बात मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के पढ़ते ही रिस्पांस टाइम जितना जल्दी है ना आपका कि आपको समझ आ गया रिस्पॉन्स तभी तो, तो करेंगे जब आपको समझ आ जाएगा समझ आ गया तो समझिएगा कि आप बात को ले जाएंगे स्क्रीन ले लेना स्क्रीन इसका ले लेना क्योंकि स्क्रीन ही है जिससे आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं आपका रिस्पांस टाइम जितना जितना कम होगा ना किसी भी क्वेश्चन के प्रति एक गेंदबाज ने गेंद को फेंका एक गेंदबाज ने गेंद को फेंका बल्लेबाज ने पहले ही भाप लिया कि हाँ इसके तो मैं आगे बढ़ लू जाएगा। अगर थोड़ा सा लेट भापा तो यहीं पर कैचआउट हो जाता है तो वो रिस्पांस टाइम का ही फर्क है गेंद को सही भापा सही बाउंड्री के बाहर अगर उसने भापा सही नहीं तो फिर वहीं पर गड़बड़ हो जाती है भाई तो मैं उम्मीद करता हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर भी जगह आपको मुश्किल नजर आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा एन ग्रुप डी के अंदर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं सिंप्लीफिकेशन के जो सीजियल मेंस के बच्चे से ना हिले आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत जोर, जोर दे के करना होगा लगभग पंद्रह क्लास से कराऊंगा मैं सिंप्लीफिकेशन की पहले भी मैंने करवाई थी और जिन बच्चों ने पहले वाली सिंप्लीफिकेशन ली थी अच्छी बात है नहीं तो वो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे ले सकते हैं और अगर अब उसके बाद पंद्रह नई क्लासेस भी कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर इतना जबरदस्त जोर रहेगा हमारा कि किसी भी हालत में कोई कमी ना रह जाए ये एक बच्चा जब पेपर से बाहर निकले ना तो हमें लगे कि यार वास्तव में उसने क्या कुछ काम किया है कोई नहीं दिखा ठीक है तो अब चैनल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स एनटीपीसी एग्जाम्स ग्रुप डी एग्जाम्स और आप मेरे बारे में देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मुझे कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग नाम से ज्यादा काम के ऊपर नाम से ज्यादा काम के ऊपर बिलीव रखते हैं हम लोग ठीक है तो आप मेरा काम आपको पता ही है कि कितनी मेहनत कितनी शिद्दत से हम लोग उस चीज को करते हैं अन अकेडमी की आने वाले दिनों के अंदर अब आने वाले चार पांच दिनों में मैं सभी बच्चों को अभी ही बता रहा हूं सोमवार संडे को मंडे को ट्यूजडे को और वेडनेसडे को इन चारों दिनों में रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार इन चारों दिनों के अंदर अन अकेडमी की ऐप के ऊपर क्लास होगी इन चारों दिनों में अन अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर लो और वहां पर क्लास लेना और बहुत शानदार शानदार ट्रिक सिखाऊंगा जिसे कहते हैं कि शानदार जानदार ट्रिक ये ट्रिक यूट्यूब पर नहीं होंगी वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ वहीं पर सिखाऊंगा मैं आपको और जो बच्चा चाहता है कि उसका चाहे सीजीएल मेंस का पेपर है वह तो सिंप्लीफिकेशन की पंद्रह जो क्लासेज कह रहा था वो ऐप के ऊपर लूंगा अब वो क्लासेज आप वहां पर ले सकते हैं ठीक है उसमें आपको बहुत उसमें क्या हो जेन स्टूडेंट वहां पर रुकता है लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर ले सकते हैं ठीक है और जो बच्चा अन अकेडमी के ऊपर मेरा कोर्स लेना चाहता है आप याद रखिए हरिंद्रा कोड को लगाना है हरिंद्रा कोड को जो आपको नीचे रेड कलर के अंदर दिखाई देगा 12 महीने या 24 महीने का कोर्स लेने पर बहुत फायदा होता है क्योंकि एक नेट रिचार्ज के जितना सस्ता कोर्स पड़ता है 12 महीने और 24 महीने वाला तो 10 परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है तो हरिंद्रा कोड को आप लगा सकते हैं हरिंद्रा कोड को आप लगाइए आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा हमेशा मिलेगा ठीक है तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े हैं ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि जिन बच्चों के फोन में ऐप होगी वो सिंप्लीफिकेशन की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज आप ले पाएंगे थैंक यू एवरी वन हरिंद्रा कोड को आप याद रखिएगा और कल फिर मुलाकात होती है इसी वक्त इसी समय इसी जगह यहीं पर थैंक यू एवरीवन थैंक यू एस एस सी मेन्स के लिए सफिशियंट होगा क्या बिल्कुल भाई वो जो मैं कराऊंगा ना उसमें SSC और सब कुछ उसमेंट होगा पहली तीन क्लासेज बेसिक की होंगी बाद में फिर मेडिवल लेवल और फिर एक्सपेक्टेड लेवल कराऊंगा सब कुछ सब कुछ होगा अभी एस एस सी मेन्स के लिए स्पेशल सीरीज भी निकालेंगे कि अच्छे अच्छे हर टॉपिक के तीस तीस कहते ना कि बहुत मोटे मोटे जानदार क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी आपको कि सो से डेढ़ सौ क्वेश्चन की सीरीज करवाएंगे जो हर कहते हैं कि हर बच्चे के लिए फायदेमंद होगी वो चीज ठीक है और बताइए बैंक पीओ के लिए बिल्कुल भाई बैंक वालों के लिए तो वो कहते हैं कि जड़ी बूटी हो जाएगी संजीवनी जड़ी बूटी हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि कैलकुलेशन जिस जिसका सिंप्लीफिकेशन जो बच्चा स्ट्रोंग करना चाहता है ना जो बच्चा ये चाहता है कि सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग हो सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग हो तो सिंप्लीफिकेशन स्ट्रोंग करने के लिए आपको क्या स्ट्रोंग करनी पड़ेगी कैलकुलेशन कल तो आपको मैं पहले यह बताऊंगा दो से चार की सिंप्लीफिकेशन कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैलकुलेशन स्ट्रोंग तभी होगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा बेसिक बेसिक सर कौन सा बेसिक की बात कर रहे हैं मैंने बोला कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रही होगी तब अंडरस्टैंडिंग अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रही होगी ये मैं आपको कल मैं आपकी क्लास में ये चीज करके दिखाऊंगा कि क्या होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बाद हम कैलकुलेशन के ऊपर उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ये चीज और फिर किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेना ठीक है तो चलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का कल दो बजे से चार बजे तक मिलते हैं थैंक यू एवरीवन थैंक यू